और अच्छा वो भी ब्लॉगर थे। ठीक हो गया जी। तो सर कैसे हैं जी? अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है माशाल्लाह जी। अच्छा मैं आपको पहले बता दिया कि ये ओनर है बिल्ले का डेरा के, मेन ओनर यही है जनाब, एक ही ओनर है बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। प्लेट वगैरह में डालू मैं तो यहीं से शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आ गया जी हमारा रायता और ये चेक कर लेंगे। तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं लाहौरी कढ़ाई। बिस्मिल्लाह ये चेक करें जी। ऑयल बिल्कुल नहीं है यार, मज़े की बात है। बिस्मिल्लाह पड़ी है, पड़ी है तीन बार पड़ी है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त यासर मलिक, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में आया हुआ हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे अजीज हैं, काफी दिनों से मुझे कह रहे थे यार कहीं आउटिंग पे जाएंगे, कहीं खाना खाएंगे। हालांकि इनका अपना भी एक होटल है और बहुत टेस्टी खाने बनाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी अपने होटल पे हमने खाना नहीं खिलाना आपको, हम आपको बाहर किसी और होटल पे लेके जाएंगे। तो इनसे जरा बात बात करते हैं, जरा इनसे भी आपको जो है ना मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम तो बताएं जरा पब्लिक को। मेरा नाम आमिर अनीस अब्बासी है। अब्बासी है। अब्बासी साहब आप जो है ना अपने होटल पे क्यों नहीं लेके गए, पहले तो ये बताएं। बस वैसे ही वैसे ही। हमारे दोस्त इतनी दूर से आए हैं। क्या बात है। तो इसलिए इनको फिर हम आउटिंग करवाए सर। फैंटास्टिक। बड़ी 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 मोहब्बत है ये आपकी, यकीन करें। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है ना बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, तो बिल्ले के डेरे पे जा रहे हैं हम लोग, और ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं हम लोग, यानी अभी पार्किंग में ही है। तो देखते हैं अब्बासी साहब हमें क्या खिलाने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि एक दो और रेस्टोरेंट है यहाँ पे उधर चलते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं जी हम जो है सिर्फ बिल्ले के डेरे पे ही जाना है। अभी इसमें क्या सीन है, इसमें क्या यानी बीच में लॉजिक है, ये मुझे पता नहीं है। ऑलरेडी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सीधा अंदर चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है अब्बासी साहब, ओके चले। अच्छा दोस्तों फाइनली यहाँ पे पहुंच गए, आप ये देख लें जी, फैमिलीज वगैरह यहाँ पे खड़ी हैं, फाउंटेन भी लगाया हुआ है एक छोटा सा, और फोटो सेशन भी हो रहा है। तो ये लें जी बिल्ले का डेरे पे हम लोग आ चुके हैं। अब्बासी साहब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ हैं, और पार्किंग मुझे नहीं लगता कि अंदर वाले साइड पे मिलेगी, हमें जो है ना बाहर ही मिलेगी पार्किंग। आई थिंक यहाँ पे लगा देना बेहतर है, और यहाँ पे हम पार्क कर देते हैं जी अपनी गाड़ी। ये लें जी, ये चेक करें जी। तो बस अभी सीधा चलते हैं अंदर, और अंदर के आपको मनाज़र दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ तो गया लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ के फेमस क्या है। चल झूठा। उन्होंने जो है मेनू कार्ड मुझे दे दिया और इन्होंने कहा कि आप जो है ना बस ऑर्डर दें, लेकिन प्लीज आप जरा हेल्प कर दें, आप हेल्प करें। ये लें जी। हमारे साथ कैसर साहब भी है हमारे साथ, लेकिन एक और बंदा हमारे साथ है, उसने कहा कि मैं वीडियो में नहीं आऊंगा जब तक आपके 100K नहीं हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस बंदे को हम लेते ही नहीं है वीडियो में। तो फिलहाल जो अब्बासी साहब हैं और कैसर साहब, कैसर साहब को तो आप जानते हैं, कैसर भी कैसे हैं? ठीक है भाई, ये आ रहे हैं, कैसे आए हैं आप? हैं ऑर्डर दें यार, जल्दी करें आप। और यहाँ का एनवायरनमेंट देख लें, सामने ना बाइक वगैरह भी इन्होंने खड़ी की है, स्कूटर वगैरह भी खड़े किए हैं, तो वो भी आपको दिखा देंगे वैसे बाद में। लेकिन सामने मैच भी लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जो कि मैं नहीं देखता हूँ, तो मैच वगैरह मैं देखता नहीं, लेकिन यह कि मौसम अच्छा है और फैन वगैरह भी चल रहे हैं यहाँ पे, माहौल तो अच्छा है यहाँ पे यार, नो डाउट। तो ऑर्डर वगैरह दे दिया हमने, और ऑर्डर क्या दिया, खड्डा सिजी दी है और मटन कढ़ाई। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा इनके पास हांडी कढ़ाई जो है ना, इनकी बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन उसमें वो कह रहे थे 45 मिनट्स, इट्स मीन कि ये लोग 45 मिनट कह रहे थे, इसका मतलब एक घंटा लगाएंगे। ये बड़ा इनका यानी जो लोग आपको कहें ना 45 मिनट, इट मीन के एक घंटा लगेगा। और नान वगैरह इनके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, और इन्वायरमेंट आपको मैंने दिखा दिया। अभी देखें हमें ऑर्डर दिए हुए भी तकरीबन 10 मिनट हो गया ना, चलें जी शुरू करें। माशाल्लाह आ गया जी, ये लें जी इनका दम पुख्त आ गया। खड्डा सी जी है, मैं भूल गया हूँ यार, क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू। बात है जी, लें जी ये चेक करें। ओहो हो, इसके ऊपर गोश्त कहीं कहीं लगा हुआ है, ये क्या सीन है भाई? गोश्त खा गया। जबरदस्त यार, लेकिन एक बात है कि ये देख लें आप कितना जबरदस्त गला हुआ है यार, ये देखें फुल टैंड है, ये देखें माशाल्लाह। चलें जी लें भाई, लें शुरू करें लें। अच्छा दोस्तों
मेरे से सब्र नहीं हो रहा प्लेट वगैरह में डालूं, मैं तो यहीं से शुरू कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी हमारा रायता, और ये चेक कर लेंगे। मजेदार, लाजवाब, मजेदार। मैं बता दूं इन्होंने सऊदी अरब की कॉफी शुरू की, लेकिन कहा कि अभी सऊदी अरब की तरह नहीं बना सकते, वो इसलिए कि यहाँ की जो पब्लिक है ना उसको स्पाइसी ही चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, आप सर्व करें, रखें आप, उनको स्पाइसी चाहिए, तो ये स्पाइसी जरूर है लेकिन पाकिस्तान के टेस्ट के हिसाब से, ये सीन है। और दूसरा ऑर्डर हमारा आ गया, ये ले जी कढ़ाई, ये लाहौरी कढ़ाई है ना उस्ताद, ये ले। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, इनको मैंने कहा था कि ऑयल वगैरह बिल्कुल ना हो, लेकिन वाकई भाई इसमें ऑयल नहीं है। ये चेक करें कढ़ाई को, वैसे शक्ल तो अच्छी लग रही है, क्या कह रहा है भाजी साहब, लग रही है? चलिए ओके करें, ओके करें, बस अब खबर नहीं है, आप खाना खाना। अच्छा दोस्तों, वो तो ख़त्म हो गया जी हमारे राइस वगैरह, और प्लेटें भी उठवा दी, इतना ख़तरनाक बंदा है ये, ठीक है ना। तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं लाहौरी कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें जी, ऑयल बिल्कुल नहीं है यार, मज़े की बात है। यकीन करें मजा आ गया। क्या ख्याल है आपको, कैसी लगी? टेस्ट किया नहीं है, आधे घंटे से खा रहे हो, टेस्ट नहीं किया आपने? अभी तो शुरू किया। हाँ जी, कैसा साहब? सही सही बता यार, गोश्त वगैरह बिल्कुल गला हुआ था, स्मेल बिल्कुल भी नहीं, मजे की बात है। और गोश्त भी बिल्कुल फ्रेश है, वहाँ पे आप देख सकते हैं यानी सामने इस जगह पे, यानी फ्रेश गोश्त वहीं पे कटिंग हो रही है, वहीं पे बना के देख के दे रहे हैं, ये मज़े की बात है। मेरे से तो सब्र ही नहीं हो रहा, ये लोग तो ऐसे खींच रहे हैं माल को हैं। मेरा भट्ट साहब इतने होना, उन्होंने कहना माल पियो, रोटी मैदे वाली नहीं है, रेड है, रेड लाल है, ये चीज़ देखो ना आप। क्या ख्याल है भाई साहब, आपको तो आइडिया होगा ना आपका होटल में? ओके है ना, बट ठीक, देसी आटे की है यार। बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। अच्छा दोस्तों, खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ही फिनिश हो गया, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत जो रह गया वो कैसर पे फिनिश करेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो है ना मटन कढ़ाई नहीं थी, दुम्बा कढ़ाई थी, ठीक है ना, सही कहा है ना, दुम्बा कढ़ाई थी ना ये, हाँ मटन कढ़ाई नहीं थी, बताओ आप, दुम्बा कढ़ाई थी, हाँ क्योंकि मुझे टेस्ट से भी ऐसे लग रहा है कि दुम्बा कढ़ाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, बहुत आला था, इन्वायरमेंट भी अच्छा है। चले आपको थोड़ा उधर का भी राउंड दिला देता हूँ, क्योंकि अभी फैमिलीज वगैरह थोड़ी कम हो गई, तो वहाँ पे भी जाके राउंड मार लेते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अच्छा दोस्तों, अभी जो है ना आपको थोड़ा विजिट करा देते हैं, और अपने जो है ना अब्बासी साहब भी हमारे साथ आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते। कोल्ड ड्रिंक पियो ना, शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा ये देख लें, ये जो सामने है ना फ्रेश मीट है बिल्कुल इनके पास, और यकीन करो कि कहने के मज़ा आ गया। उस साइड के सामने जो है वो फैमिली सेक्शन है, और इस साइड पे जहाँ पे हम बैठे थे यहाँ पे जो है ना जेंट्स के लिए था, तो ये इसलिए उस साइड में कैमरा वगैरह घुमा नहीं पा। यहाँ पे देखिए थोड़ी बाइक वगैरह भी खड़ी की है इन्होंने, और स्कूटर वगैरह भी हैं, ये चेक करें। और उस साइड पर जो है ना प्ले एरिया है बच्चों का, वहाँ पर भी आपको ले कर चलते हैं। नहीं नहीं, अभी बाइक्स वगैरह देखने लगे ना, नंबर वन है उसका, क्या ही बात है। ये ले दूं आपको? नहीं, ये है हमारे पास पहले। अच्छा सेम ऐसी है? सेम ऐसी है। अच्छा बिल्कुल ऐसे फिट है? मैंने फिट तो नहीं है। अच्छा लेकिन यार इसके शौकीन अभी भी हैं, मैंने देखा ऐसे। अच्छा दोस्तों, इस होटल की सबसे अच्छी जगह मुझे ये एरिया लगा यार, ये देखें सेपरेट सीटिंग है, और इतने बेहतरीन यानी सीटिंग बनाई हुई है, लेकिन ये स्पेशल ऑर्डर के ऊपर है, यानी कोई बड़ी पार्टी वगैरह हो रही है उसके लिए है, ऐसे हर बंदे के लिए या हर फैमिली के लिए नहीं है। ठीक हो गया, ये प्ले एरिया है बच्चों का। बस अभी हम चलते हैं अपने जहाँ पे हमारी लाई बैठे हैं, वहीं पे जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए जी इनका किचन वगैरह देखें, मुझे तो ये बड़ा ज़बरदस्त लगा, बिल्कुल ओपन है और नीट एंड क्लीन है, बड़ी बात है पाकिस्तान में कोई होटल नीट एंड क्लीन है। ये देखें, बात तो सही है यार, होटल तो बड़ा साफ सुथरा है ना। अच्छा जी अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पूरे आपने ना होटल की वीडियो बनानी है। ये देखिए जी देसी माहौल, यार ये दिखाता हूँ आपको ना,
पूरा मट्टी का है, जबरदस्त। ये एक रूम इन्होंने बनाया ऐसे, ओ माय गॉड, माशा अल्लाह, बिल्कुल देसी माहौल है। छत भी देख लें, क्या बात। अच्छा एसी भी है भाई उसके अंदर, चलता भी है। क्या बात है, बहुत आला यार। और ये देखिए दीवारें वगैरह भी मिट्टी की हैं, जबरदस्त यार। इनका ये रूम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, यकीन माने बेहतरीन लगा, जबरदस्त। सीढ़ी भी चढ़ाई है बिल्कुल देहाती स्टाइल में, वो भी देखें लकड़ी की। अच्छा यहाँ पे ना पहले जानवर वगैरह भी रखते थे, मतलब शेर वगैरह भी था, लेकिन अब नहीं है यहाँ पे, है ना। ये एरिया इनका किचन का, ऑफिस वगैरह उस साइड पे। और ये ड्राइवर हजरात के लिए, हमारे जो ड्राइवर हजरात है ना वो इधर आके बैठते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा दोस्तों अभी जो खड्डा सी हमने खाई है ना, तो वो यहाँ पे बनती है। और ये देखें ये जो भाई हैं ये बनाते हैं, और भी इसके अंदर खड्डा से जी बनाते हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता होगा या क्या है, ये रेडी होके भी पड़ा है। जो लोग ऑर्डर करते हैं ना तो ये उनका ऑर्डर रेडी पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, कितना टाइम लगता है वैसे खड्डा से जी में? अच्छा ढाई घंटों में बनता है। अच्छा लेकिन ये कि फ़ोन पे भी ऑर्डर वगैरह दे दिया जाए तो 3 घंटे फुल बकरे के लगते हैं ऐसे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया जी खाना खा के, यकीन माने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स, लव यू। ये देखें ये लोगों का ऑर्डर बन के रेडी पड़ा, वो कह रहे हैं जो एक एक किलो का जो पीस होता है ना वो जल्दी बन जाता है, लेकिन पूरा एक बकरा उसको 3 घंटे लगते हैं, तो ये सीन है। लेकिन मुझे सबसे होटल का जो सबसे अच्छा एरिया लगा है तो वो साइड है जहाँ पे सेपरेट यानी फैमिली सेशन है। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ मैं बता चलूँ कि यहाँ के जो ओनर हैं अभी उनसे भी मुलाकात करते हैं, चौधरी अजीज साहब से, तो वो भी आने वाले, क्योंकि उनको बताया जाके किसी ने कि यूट्यूब पर आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम मुलाकात जरूर करेंगे, तो उनसे अभी मुलाकात करते हैं और उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे खड़े होके। A few moments later. अच्छा दोस्तों फाइनली जिनका इंतजार कर रहा था काफी देर से, मैं वेट कर रहा था एक्चुअली, उनके कुछ मेहमान वगैरह भी आए हुए थे और वो उन्हीं के साथ बिजी थे। और अच्छा वो भी ब्लॉग करते हैं, ठीक हो गया जी। तो सर कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है, माशाल्लाह जी। अच्छा मैं आपको पहले बता दिया कि ये ओनर है बिल्ले दा डेरा के, मेन ओनर यही है जनाब, एक ही ओनर है बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आप जरा अपना इंट्रोडक्शन, वैसे आपको जरूरत तो नहीं है वैसे किसी, यानी जरूरत बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बता दें मेरी वीडियो के बारे में। अजीज रफीक मेरा नाम है जी, ये माशाल्लाह बिल्ले डेरे के नाम से रेस्टोरेंट में इसको रन कर रहा हूँ माशाल्लाह, पिछले 18 साल से मैं इसको, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह जल्दी ब्रांच भूटान में, दूसरी ब्रांच ओपन करने का इसी साल में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और यकीन करें गाइस मैं कुछ टाइम पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम कुछ और माहौल था, लेकिन इस बार यकीन माने ये नहीं कि ओनर सामने खड़े, और मैं अभी वीडियो में भी आपको बता रहा था, लेकिन ये बिल्कुल चेंजिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त और आउट क्लास है। तो खाने का टेस्ट, सफाई, और मेन चीज़ जो हर बंदे को शिकायत होती है कि ऑर्डर बहुत लेट कर दिया, काफ़ी देर से हम बैठे हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं था, यानी जैसे ऑर्डर दिया 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में ऑर्डर आपको मिल जाता है, फ्रेश होती है। और यकीन करें तब्दीली इसका नाम है जी, इसको कहते हैं तब्दीली। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू, ठीक है जी, ओके गाइस अभी हम चलते हैं वापस बाहर की तरफ और अपनी गाड़ी की तरफ, ठीक है। और इनसे मुलाकात की और मुलाकात करके बहुत अच्छे इंसान है, यकीन करें, यानी एक बंदे से आप जब मिलते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये पर्सन कैसे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ फटाफट। अच्छा दोस्तों फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँच गए, रास्ते वगैरह काफ़ी ज़्यादा बंद थे क्योंकि मुहर्रम अल हराम चल रहा है आपको पता है, और इस वजह से जो है ना थोड़ा लेट हो गए हम। और ये व्लॉग जो है ना हम यहाँ पे एंड नहीं करेंगे इंशाल्लाह, हम जो है ना इसको कल एंड करेंगे अब्बासी भाई के होटल के ऊपर, ठीक है। वीडियो पूरी देखें इंशाल्लाह, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, थैंक यू। अच्छा दोस्तों रात को हम होटल से होके आ गए थे और वीडियो वहाँ पे एंड नहीं की थी, मैंने सोचा था कि अब्बासी साहब के होटल पर जाएंगे और वहाँ पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो अभी इस टाइम अपने होटल में है नहीं, इसलिए जो है ना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, उनके होटल के फिर किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।